शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तुमने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तुमने। रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही, गज़ाली न रही, गज़ाली न रही, गज़ाली न रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दौर में कुछ ख़ास लोगों को चुनते हैं और अपना ख़ास काम कराते हैं, जिसमें वो अपना पैगाम और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उसको तरोताज़ा रखने का सबब पैदा करते हैं। और इस बार शहर सियालकोट का इंतखाब होता है, जहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाक सरज़मीन पर आँख खोलते हैं। बर्रसग़ीर हिंदुस्तान में पैदा होने वाले इकबाल ने एक ख्वाब देखा था, एक इस्लामी मुमलिकत का ख्वाब, और उस इस्लामी मुमलिकत का नाम है पाकिस्तान। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि इस दौर का बड़ा आशिक रसूल लाहौर में दफन है, पाकिस्तान में दफन है। ये हमारा असासा है। बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों की बाएं जानिब मज़ार इकबाल है, जिसकी तामीरात में बहुत मुश्किलात पेश आईं, मगर आखिरकार खूबसूरत तामीर मुकम्मल हो गई। मज़ार इकबाल पे दो पहरेदार मौजूद होते हैं। जो उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। मैं जब इस डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा था तो मज़ार इकबाल में बहुत से इकबाल शनास और अकीदतमंद मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद शहजाद है और डिस्ट्रिक्ट खासबा से बिलोंग करता हूँ। आज सुबह लाहौर आते ही सबसे पहले मैंने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि यहाँ पर हाज़िरी देने का मकसद फातह खानी था, और आपकी जो शेर व शायरी है ना माशाल्लाह, वो हमारे लिए एक बहुत इनकलाबी पहलू क्या मतलब तो इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी शायरी कितनी भी है ना, वो ज़ाहरी तौर पर और बातिनी तौर पर, यानी हकीकत और रूहानी तौर पर भी हमें जो है ना वो इस चीज़ पर मायल करती है कि हम अपनी हकीकत को समझें कि इंसान क्या है और उसका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। आपका हर एक शेर जो है वो हमें हकीकत की तरफ वो इस बात को समझाता है कि अपने आप को हम परखें, चेक करें कि इंसान की सर हकीकत क्या है। दुनिया फानी, हर चीज़ जो है वो कुल्लु शैइन जुलास रही, हर शय अपने असल की तरफ लौटे। आपकी शायरी जो है वो हमारे लिए एक पेटेंट हर लिहाज से जो है ना वो हमें गाइड करती है कि हमें एज ए मुस्लिम अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए क्या कुछ करना चाहिए। ठीक, सही। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, आपकी बहुत ही स्ट्रगल रही है। पाकिस्तान में जितनी भी नौजवान जनरेशन है इनके अंदर एक बेदारी पैदा की है अपनी शायरी के लिए। ख़ासकर आपने जो यंग जनरेशन है ना उनको बहुत अहमियत दी है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो फ्यूचर का एक बहुत बड़ा असास है।
आपका एक शेर है बहुत ही फेमस, आप फरमाते हैं कि गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तबजीरें, हो अगर यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इसके अलावा जितने भी अल्फाज अदा किए गए हैं वो कम है। फिर आखिर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इकबाल साहब की जितनी भी शायरी है उस पर ज़ाहरी और बातनी अमल करने की तौफीक दे और आपको जन्नत कुर्ब के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। यही मोहब्बत है हमारी इकबाल से। जब मैं मज़ार में पैकअप कर रहा था उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में एक ही दुआ गूंज रही थी जो कि अल्लामा ने दर हकीकत अपनी वालदा की मोहब्बत में कही थी। आसमां तेरी लहर पे शबनम आफशानी करे, सब्ज़ाए नूरुस्ता इस घर की निगहबानी करे।